हाँ तो स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे कि जन संचार के माध्यम की विशेषताएं क्या क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे जन संचार माध्यम की कुछ लेखकों के लिए सीमाएं भी निश्चित होती है। वो सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, उनके लिए कुछ बंधन भी होते हैं। पहला बंधन तो यह होता है कि लेखक को पाठकों का स्तर, उनका भाषा ज्ञान, उनकी योग्यता क्षमता, उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि साथ ही साथ उनके साथ समय सीमा का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि यदि लेख बहुत लंबी हो जाए तो लोगों के पास कभी कभी उतनी समय भी नहीं होती कि लोग उसे बहुत देर तक पढ़ सकें। और दूसरा ये होता है कि लेख अधिक लंबा होने से वो क्या होता है, वो नीरस पैदा कर देता है, और जिससे फिर लोग उसे पढ़ने में रुचि नहीं लगाते, रुचि नहीं होती। तो लेखक का को दूसरी बंधन है कि लेखक को स्पेस का भी, जगह का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। रिपोर्ट, फीचर की शब्द सीमा होती है, क्योंकि रिपोर्ट और फीचर जो होते हैं वो कम शब्दों का इस्तेमाल करके जो उसमें जो सटीक चीज है, जो यथार्थ है, उसको उस वहाँ पर पूरी तरह से लेखकों के माध्यम से उसको उजागर करना होता है। समाचार पत्र में असीमित जगह नहीं होती, सीमित एक उसका जगह है, इतने पेज का वो बनता है समाचार पत्र। तो उसमें लेखक की जिम्मेदारी होती है कि छपने के पूर्व मैटर की सारी त्रुटियां दूर कर ले और उसके बाद उसे छपवाएं। यह संपादक मंडल के द्वारा भी किया जाता है। पहले तो लेखक को ही अपनी लेख बहुत कम शब्दों में, मतलब जितने कम से कम शब्दों में वो यथार्थ को, सच्चाई को सामने ला सकें, ये पहले उसमें गुण होना चाहिए। अब उनके लिए मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। पहली सावधानी है लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा का प्रयोग ही होना चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए वो लिखी जा रही है या बोली जा रही है, वहाँ के लोग उस जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में उसे छपवाना चाहिए। दूसरा होता है समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। जितनी जगह दी गई है, लोग हर कोई अपना समाचार पत्र में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने समाचार पत्र को अपने समाचार पत्र में जगह निश्चित होती है कुछ है हर समाचार के लिए, अब उसे उस उतने ही जगह के में लिखना पड़ता है। तो कम शब्दों का पालन करते हुए और उसे जगह के अनुसार ही सब चीज़ का जगह के अनुसार ही सभी चीज़ को लिखना होता है। तीसरा होता है लेखक और प्रमाण के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। जैसे मान लो कि कोई समाचार लेखक को मिली है और वो लेखक उसमें कुछ त्रुटियां भी है, तो उनसे उसे वो शुद्ध करके उन्हें लिखना होगा। चौथी है बात होती है कि लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है कि लेखन, जब हम कोई लेखन कार्य कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं लगे कि जब कि तोड़ तोड़ के लिखा गया है उसमें, जैसे मान लो दो पैरा या तीन पैरा में लिखा जा रहा है तो वो बात समझ में आनी चाहिए कि ये आगे बढ़ रही है, इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि वो तार उसका बना रहे, एक दूसरे से लिंक जुड़ा रहे। जैसे मान लो हम कोई उपन्यास भी पढ़ते हैं तो उस उपन्यास में भी हमें ये उपन्यास में भी यह देखना है
कि जैसे हम दूसरा सीन होता है, दूसरे सीन को चेंज किया जाता है, तो उस वो जो सीन है उससे पहले जो हम लिखा हुआ है उसका तार जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब दूसरा माध्यम आता है रेडियो। रेडियो जो है वो श्रव्य माध्यम है जिसमें सिर्फ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। अब रेडियो पत्रकार जो होते हैं उनकी जो उनके जो लेखक होते हैं उनकी विशेषताएं विभिन्न प्रकार की होती है। यहाँ पहला होता है श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। श्रोता को यह सुविधा नहीं है कि वे मनमाना समाचार सुने और अरुचिकर समाचार ना सुने, उन्हें सब कुछ सुनना ही पड़ता है। यहाँ यह भी सुविधा नहीं है कि दोबारा पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। रेडियो के लिए यह जो है कि उसे कोई दोबारा नहीं पढ़ा जा सकता है। तुम लोग देखते हो कि यदि हम लोग कोई के मुंह से कभी किसी चर्चा के दौरान कि या आपस में बातचीत के दौरान कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जिसे बोल देते हैं हम लोग एक दूसरे, जैसे मान लो फ्रेंड सर्कल में ही कोई चार आदमी बैठे हुए हैं, चार लोग बैठे हुए हैं, तो एक फ्रेंड कुछ मजाकिया तौर में भी कुछ बात बोल देता है जिसे कुछ सुनते हैं कुछ नहीं भी सुनते हैं। यदि वो सुनता है नहीं सुनता है तो अगर दोबारा पूछता है कि तुमने और यदि कोई तुमने क्या बोला, तो वो कहता है ना रेडियो एक ही बार बोलता है। ये एक प्रथा चल गई है बोलने की। लेकिन वही चीज़ ये रेडियो के साथ है कि रेडियो में जो एक बार बोल दिया गया उसे वो दोबारा नहीं बोलता है, इसलिए यह दोबारा पढ़कर उसको समझना काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरा है यहाँ श्रोता को रेडियो समाचार प्रसारण के समय जमकर बैठना होगा। जब रेडियो समाचार आते हैं तो लोग यदि दूसरे तीसरे ध्यान में रहेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे समाचार में क्या बोला जा रहा है। प्रत्येक समाचार को बारी बारी से सुनना होगा। वह वहाँ से थोड़ा नहीं खिसक सकता, ना ही वह किसी कठिन शब्द हेतु शब्दकोश देख सकता है। इसमें पीछे लौटना नहीं होता है, माने कि समाचारों को बार बार नहीं बोला जाता है। इसलिए जब समाचार वादन हो रहा है तो लोगों को उसमें एक ध्यान हो करके बैठना पड़ता है। अखबार को उलट पुलट कर पढ़ा जा सकता है, क्योंकि रेडियो मूलतः एक रेखा चित्र माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा, शैली उसी आधार पर तय होता है। यही स्थिति टीवी की भी होती है। तो ये बात समझ में आई। अब रेडियो समाचार लेखन क्या है, कैसे लिखा जाता है? तो रेडियो समाचार लेखन जो होता है वो उल्टा पिरामिड शैली उसको कहते हैं, जिसमें समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद उससे कम महत्व वाले समाचारों को लिखा जाता है और इसमें किसी घटना, विचार, समस्या आदि का को एक क्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले मुख्य समाचार बोला जाता है कि मुख्य समाचार अभी आप श्रवण करें, तो यह क्लाइमेक्स कहानी के समान अंत में नहीं सबसे पहले आता है। समाचार के ये तीन भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो को कहते हैं मुखड़ा भी, जिसके समाचार के मूल तत्व को प्रथम दो तीन पंक्तियों में रखा जाता है। यह खबर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार का विस्तार होता है। अब होता है कि रेडियो समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन होते हैं। पहला होता है स्वच्छ, शुद्ध,
टंकित पंक्ति अर्थात समाचार कॉपी इस प्रकार तैयार करनी चाहिए कि उसके वाचन में किसी प्रकार की भी कठिनाई ना हो। साफ सुथरी टाइप होनी चाहिए और उसकी जो अगर प्रतिलिपि भी करते हैं अर्थात जेरोक्स कॉपी जिसको तुम लोग कहते हो फोटो कॉपी, वो भी एकदम साफ होना चाहिए, तभी तो समाचार वाचक जो है उसे वो शुद्ध शुद्ध शब्दों का उच्चारण करेगा और पढ़ भी सकेगा और कहीं उसे कठिनाई भी नहीं होगी, कहीं रुकावट भी नहीं आएगी। यह कॉपी ट्रिपल स्पेस में होना चाहिए, टाइप होना चाहिए अर्थात स्पेस मतलब खाली जगह होता है, तो इतने कोई गड़बड़ ना हो इस कारण से उसे स्पेस मिलना चाहिए कि एक लाइन पढ़ने के बाद लोग दूसरी लाइनों को आराम से पढ़ सके, उसमें पढ़ते वक्त कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि हमने कौन सी लाइन को पढ़ा है और कौन सी लाइन नहीं पढ़ी है। एक पंक्ति में 12-13 शब्द ही होने चाहिए जिसमें जटिल उच्चारण और कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरा है अंक लिखते समय 1 से 10 तक के अंक शब्दों में 11 से 999 तक के अंकों में लिखने चाहिए। बड़ी संख्या जो होती है उनको शब्दों में ही लिखना चाहिए, जैसे मान लो 35,27,826 है, इसे शब्द में ना लिख अंकों में ना लिख करके शब्दों में इसको छापना चाहिए। जैसे अब परसेंटेज या डॉलर का संकेत देना है तो उसे उसी तरह से लिखना चाहिए। परसेंटेज जैसे हम लोग उसको शॉर्ट में लिखते हैं, एक ऊपर नीचे 0 दे करके और बीच में उनके। मुद्रा स्फीति के आंकड़े दशमलव में ही लिखने चाहिए, साथ ही आंकड़ों और संख्या का यथासंभव कम ही प्रयोग करना चाहिए। तिथियों को विस्तार से लिखना चाहिए, जैसे 5 जनवरी 2012-13 जो भी लिख सकते हो, कोई भी जो भी आज का डेट है उसको भी लिख सकते हो। अब तीसरा आता है हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन जो होता है वो संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए, तभी लोगों को उसमें पढ़ने में रुचि भी होती है, आनंद भी आता है और लोग इंटरेस्ट से पूरे समाचार को पढ़ते भी हैं। तो यदि समाचार का हेडलाइन ही नीरसता से भरपूर होगा तो लोग उसे पढ़ेंगे नहीं और उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो जैसे समय के अनुसार आज दोपहर समय के लिए आज जैसे आज दोपहर आज शाम रहता है, महीने के लिए पिछले महीने लिखा जा सकता है। संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग सावधानी से ही करना चाहिए। तो ये सब जो होते हैं महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं रेडियो समाचार लेखन के लिए, जिनका की प्रयोग होने से समाचार भी आकर्षित होती है और लोग उसे पढ़ने में रुचि भी जगाते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अब अगले दिन अगला जो समाचार जन संचार का माध्यम है उसे अगले विषय पर अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है।